मुरादाबाद में लगातार सिविल डिफेंस द्वारा समाज को जागरूकता के संदेश देने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही लगातार विद्यालय और अनेक स्थानों पर मॉक ड्रिल के माध्यम से संदेश दिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में सिविल डिफेंस और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त प्रयासों से मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया, जहां सभी विद्यार्थियों को भूकंप और कोई भी आपदा आने पर हमें कैसे अपनी मदद करनी है और दूसरों की भी सहायता करनी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर संदेश दिए गए। इस कार्यक्रम में सिविल डिफेंस के सतीश कुमार, अशोक गुप्ता, मोहम्मद खालिद, डॉक्टर शफीक अहमद, स्टाफ अधिकारी वसीम अख्तर, वसीम अंसारी, शारिक अहमद शाहिद, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के शिक्षक विद्यार्थी भारी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान सिविल डिफेंस के स्टाफ अधिकारी वसीम अख्तर ने ये जानकारी दी कि सिविल डिफेंस द्वारा लगातार अनेक स्थानों पर जागरूकता के संदेश देने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है, जहां सभी को ये जानकारी दी जा रही है कि यदि कोई भी आपदा आती है तो हमें ऐसे में कैसे दूसरों की मदद करनी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर लगातार सिविल डिफेंस अभियान चला रहा है। इस वक्त शहर के अंदर मॉक ड्रिल आपदा प्रबंध की तरफ से एक वो चलाया जा रहा है, मॉक ड्रिल भूकंप के संबंधित। यह एक मॉक ड्रिल चंद्रगुप्त इंटर कॉलेज में किया गया है। अच्छा, इसके अलावा भी कहाँ कहाँ कर रहे हैं? अभी तो हमने इसमें चंद्रगुप्त इंटर कॉलेज में ही किया है, आगे भी कोई योजना है उसमें हम करेंगे। कोई फैक्ट्री में भी चल रहा है कोई? अभी हमने पहले इसमें टोरंटो गैस फैक्ट्री में भी एक अभी मॉक ड्रिल किया था 2 दिन पहले। क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं? सर, उसमें गैस वाले में तो ये बताया गया था हमने कि गैस लीक होती है किस तरीके से इसकी आग बुझाई जाती है और किस तरीके से इसकी कैजुअलिटी को किस तरीके से इसको पहुँचाया जाता है, कैसे कैसे करा जाता है इस काम को, सब इस तरीके के नहीं बताया गया था। अब स्कूलों में क्या अभियान चल रहा है? अभी स्कूलों में अभी ऑफिस की तरफ से कोई ऐसा अभी वहाँ पर आदेश नहीं है, लेकिन आगे योजनाएँ हैं इस ऐसे प्रोग्राम करने की। वहाँ तो क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से? ऐसे जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे टाइम पर आपदा में जैसे कोई भूकंप आ जाए तो कैसे बचा जाए, किस तरीके से बचना चाहिए, यही इस तरीके की हम उसमें ट्रेनिंग देते हैं। कितने लोगों की टीम है जो ट्रेनिंग करा रही है आपकी? ये करीब इसके अंदर 60-70 वार्डन इस काम में लगे हुए हैं जो सबको जागरूक कर रहे हैं। जी, जागरूक कर रहे हैं।